कौम के नाम पे आम जनता में फूट डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सवाल है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। टोयोटा मैनेजमेंट भूटापा, भूटापा, भूटापा। टोयोटा मैनेजमेंट भूटापा, भूटापा, भूटापा। अरे धर्म और जाति के नाम पर मजदूरों में फूट डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे यार तुमसे का परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। यार तुमसे का परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। सभी गुनेगारों को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। अरे यार तुमसे की चौकसी फिर से होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अरे यार तुमसे का चौकसी फिर से होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। और जोर जुलूम के चक्कर में, और जोर जुलूम के चक्कर में याकूब शेख के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। याकूब शेख के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। टोयोटा मैनेजमेंट भूटापा, भूटापा, भूटापा। टोयोटा मैनेजमेंट भूटापा, भूटापा, भूटापा। अरे सीसी सुखे जाए तू है टोयोटा मैनेजमेंट जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सीसी सुखे जाए तू है टोयोटा मैनेजमेंट जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। याकूब शेख के कत्ल कत्ल किसने किया टोयोटा मैनेजमेंट जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे सीसी सुखे जाए तू है मैनेजमेंट जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे सभी वर्कर का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया टोयोटा मैनेजमेंट जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे सर जोर जुलूम के चक्कर में फूट के रास्ते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे फूट के रास्ते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे 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 जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। मजदूर एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों आज एक महीना हो चुका है जो घटना 29 सितंबर को जो घटी थी उसी को लेकर एक महीने के लेकर आज हम लोगों ने यहाँ एक धरना रखा है। यह कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस को हम लोगों ने लेटर दिया था, परमिशन मिला है, किसी को कोई अरेस्ट नहीं होने वाला, इसलिए कोई भी आप और कोई टेंशन लेना मत, ठीक है। हमारा आंदोलन, हमारा मुद्दा न्याय का है और न्याय के लिए हम लोगों ने पुलिस को कहा था कि आप अपनी तरफ से आपको जो सुरक्षा लेनी हो ले हो, मगर आज ये धरना होके रहेगा, यह अहिंसक सत्याग्रह का मार्ग है। हम लोग अपनी बात यह रखने के लिए आए। साथियों बात ऐसी थी कि जब ये घटना हुई तो ये दादरी की जो घटना 28 तारीख को हुई थी जिससे पूरा देश चौंक उठा था, जिससे पूरी देश की राजनीति में एक परिवर्तन आया है, उसी किस्म की घटना हमारे खुद के शहर में हुई है। मगर जो दादरी एक छोटा गाँव की घटना एक राष्ट्रीय खबर बन गई, मगर बम्बई में होने वाली घटना बम्बई तक की वो आवाज़ नहीं बन पाई, मगर उर्दू मीडिया ने फिर भी उसको उठाने की कोशिश की। फाइनली एक वेबसाइट ने उस पर लिखा, सुजन इब्राहिम जो वकील है हमारे साथ है उन्होंने सवाल को उठाया, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, तीन संगठन साथ में आए, हम लोगों ने आपा के साथ बात की, उनके बच्चों के साथ बात की और फिर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी। तो जो जागरूक कामगार मंच है एंथनी और मैरी जो उसका और दीप्ति जी वगैरह जो है सुजैन सुष्मिता जी सलीम भाई ये सभी ने मिलकर इस काम को उठाया और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दौरान हमको कुछ बातें समझ में आ गई। नंबर वन कि टोयोटो कंपनी और पुलिस दोनों इसको पूरा दबा रही है, लगातार पुलिस बोल रही है कि कागजात हमारे आके देखो। हमने कहा कि कागजात कैसे बनते हैं आपको भी पता है, हमको भी पता है। दूसरी बात कि टोयोटा कंपनी के लिए बहुत भारी पड़ेगा ये पूरा मामला, क्योंकि ये बात बम्बई तक नहीं सीमित है, ये बात टोक्यो तक जाएगी और ये जिसकी कंपनी है शिंडराई उसकी तो पूरी है एजेंसी चली जाएगी अगर उसने न्याय नहीं किया तो। ये मुद्दा कोई छोटा नहीं है, टोयोटा कंपनी के प्रीमाइसिस के अंदर एक खून हुआ है,
और जो सीसीटीवी कैमरा थे, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसमें साफ सफाई, जिसमें टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारी बातें हमको बोली जाती है, वो बेसिक सीसीटीवी कैमरा उसी जगह के गायब है, जिससे बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है। दूसरी बात कि जिस किस्म से ये मर्डर करवाया गया है, पहले जो कहानी है परिवार को बोली गई और 5 घंटे के बाद ये कहानी बदली गई, और हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हमारे फैक्ट फाइंडिंग के दौरान जो तथ्य हमारे सामने आए वो खुद पुलिस से दर्ज नहीं किए, जहाँ तक कि परिवार ने उसको लिखित में दिए, उसके बावजूद न वो चार्जशीट न वो FIR में, वो सिंपल बातें पुलिस के सामने आ रही है जो हमारे सामने आ चुकी है, और पुलिस बोल रहे हमारे साथ बैठो, हम आप सबको कागजात बता दें। भाई कौन से कागजात बताएंगे, आप हमारे कागजात को देखो, हमारे रिपोर्ट को देखो, उसमें ज़्यादा आपको तथ्य मिलेंगे आपके रिपोर्ट को लेकर। हम समझ रहे हैं कि ऊपर से बहुत दबाव है कालाचौकी पुलिस स्टेशन पे, मगर हमारा कालाचौकी पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट है कि न्याय करो ये परिवार के साथ। ये हमारी अपाई हमारी बड़ी बहन है शाफिया, आज MSc बोटनी करी है, शाहजाद जो उनका बेटा है या हमारे साथ जो है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ये परिवार मेहनत करके लिख पढ़ कर आगे बढ़ना चाहता है, मगर ये देश में जिस किस्म का माहौल मोदी सरकार आने के बाद बना है वो उसका नतीजा है कि टोयोटा सिंड्राई में वो बनर हुआ है। ये पूरा जो नफरत और भय का वातावरण जहाँ आम हिंदू और आम मुसलमान, आम ईसाई, आम सिख को अलग रखकर इस सरकार ने बांट दिया है, उसके कारण इस किस्म की हेट क्राइम्स हमारे देश में बढ़ रही है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि ये एक परिवार का सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक बम्बई का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है साथियों। हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहीं कोई इंक आके मार रहा है, कोई शिवसेना वाले कोई हुलर बचा रहे, कोई मटन और चिकन के नाम पे काटा जा रहा है, 5-5 साल की लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। ये जो देश का जो माहौल जो अजीब गरीब हो चुका है, और उसके साथ अभी सरकार बोल रही कि 250 रुपया दाल हो जाएगी दिवाली आते आते, तो आप गरीबों को लूटोगे, उनको धर्म के नाम पर बांटोगे, उनका कत्ल करोगे, उनको डरा कर रखोगे, ये भारत के संविधान के तहत नहीं चलने वाला साथी। भारत ये गांधी जी का देश है, ये संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का है, ये गोलवलकर और सावरकर और उद्धव ठाकरे का देश नहीं है। ये देश चलेगा बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, गांधी जी, मौलाना आजाद जिन्होंने शहादत दी, वो उनके बुनियाद पर चलेगा। जो अंग्रेजों के दलाल थे ये उनका देश नहीं है साथियों। ये देश शहादत का है, ये देश प्रेम और सद्भाव का है, और उसी परंपरा पे ये देश टिका है, और उसी परंपरा देश आगे बढ़ेगा सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे बीच में हमारी छोटी बहन शाफिया यहाँ है, वो खुद शब्द है, फिर एडवोकेट सुजन बात करेंगे अभी रिजनी से, उसके बाद एक डेलीगेशन है जो एक कंपनी के साथ मिलेगा। मुर्दाबाद 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 परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमें कुछ सवाल हमने पुलिस और कुछ सवाल हम कंपनी वालों से करते हैं, उसका जवाब हमें दे दिया जाना चाहिए। हमें बताया जाए कि सीसीटीवी कैमरा उस वक्त क्यों बंद था, क्यों अभी भी वो बंद है, क्यों उसका फुटेज हमें बताया क्यों नहीं गया है। उसका फुटेज उस वक्त क्यों बंद था जिस वक्त कत्ल ये पूरा प्लान करके मारा दिया गया। टोयोटा कंपनी से हमें पूरा सवाल, पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हमें पुलिस से इंसाफ चाहिए कि वो हमारी मदद करे, टोयोटा के साथ ना दे। हमें टोयोटा कंपनी से पूरी इन्वेस्टिगेशन की मांग है। बस हमें मेरे पापा की जस्टिस दिलाओ, हमें जस्टिस की जरूरत है। हमें टोयोटा कंपनी समझ नहीं आ रहा कि वो हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद क्यों नहीं कर रही है। मैनेजमेंट हमसे मॉर्निंग से इवनिंग तक झूठ क्यों बोला गया है। वो हॉस्पिटल में कुछ बोलते हैं, घर पे फोन करके कुछ बोलते हैं, और उनकी बातें पुलिस तक जाती है। पुलिस हमें बोलते हैं कि 3 लाख रुपए ले लो, 3 लाख लेके हम क्या कर रहे हैं, हमारे फादर ला कर दे दो ना, हमारे फादर हमें दे दो, हमें 3 लाख नहीं चाहिए, हमें जस्टिस दिला, हमारे फादर ला, हमारे फादर 100 साल जिएंगे, और हमारे फादर क्यों नहीं जी सकते हमारे साथ, इनका हक नहीं था जीने का, ये लोग ने इतना आसानी से मार दिए, इतना इजी है। टोयोटा कंपनी वाले हर वक्त बोलते हैं कि सर पे तुम्हारे जस्टिस बताओ, तुम्हारे जो लोग हैं वो विक्टिम नहीं है, वो विक्टिम ला उनकी बताओ कि तुम कोर्ट में जब खड़े रहोगे तो तुम्हारे साथ में कोई प्रूफ होना चाहिए कि उनको मारा गया है, कंपनी वालों ने ये किए। तो हम बोले कि वर्कर के साथ में हर एक घर वाला होना चाहिए, तो तब जाके मुंबई या इंडिया सेफ रहेगा। इतना आसान है किसी को भी मार देना। 100 साल हमारे डैडी हमारे साथ जीते थे, या जो भी जीते थे वो हमारे डैडी थे, कोई किसी का हक है मारने का। इतना आसान है इंडिया में, तो हर एक जन किसी को भी मार दिया जा सकता है ना।
किसी भी सेफ नहीं, कोई इंसान सेफ नहीं इस दुनिया में। पुलिस का सपोर्ट हमें चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। टोयोटा कंपनी से सिर्फ इतना कहूंगी, हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन का मौका दो, री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बस इन्वेस्टिगेशन के साथ में हमें जस्टिस दिलाओ। आप सबसे हम लोग यही अपील करते हैं कि जस्टिस के लिए हम मांग करते हैं, जस्टिस दो हमारे डेडी के लिए। वी वांट जस्ट जस्टिस, नथिंग वी वांट। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। पुलिस राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टोयोटा मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। याकूब शेख के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। साथियों, ये जो एक महीना पहले जो घटना घटी इस टोयोटा शोरूम के अंदर, मेरे ख्याल से वो घटना घटने के बाद इस तरह का भीड़ जमा नहीं हुआ रहेगा। जमा जो होना चाहिए था, कंपनी जिस तरीके से अभी शटर नीचे रखा है, तो कंपनी क्यों शटर नीचे रखा है, शटर को क्यों नीचे डाला है? क्योंकि उनके पास दम नहीं है, उनके पास खड़ा रहने की कुछ हैसियत नहीं है। जो कहानी बताया गया दुनिया को, जो बता रहे हैं कि मतलब ये दो व्यक्ति आपस में मस्करी कर रहे थे, ये भी मस्करी क्या चीज है? मस्करी मतलब एक प्रैंक, अंग्रेज में प्रैंक बोलता है, मस्करी मराठी में हमको बोला गया जब पुलिस स्टेशन में गए। तो ये मतलब आप लोग हमको क्या समझते हैं? हमको इतना मूर्ख समझते हैं, या हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, या हम इतने डरे हुए हैं, हम इतने डरे हुए हैं कि जो कुछ भी कंपनी कहानी देखेगा वो पुलिस उसको हमारे सामने रखेगा, हम पूरा आंख बंद करके उसको लचमा नहीं था। हम हमारे पास सोच की ताकत नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है। ये यदि खो जाएंगे हमारे समाज तो इस शहर का क्या होगा? हम ये सवाल रखते हैं सबके सामने। हमारे देश का क्या होगा? ये सवाल रखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। एक मतलब 50 से कुछ साल ज़्यादा उम्र का एक मजदूर जो पूरा अपना खून पसीना अपना परिवार को ऊपर उठाने के लिए, जो बस एक सपना देख रहा था कि जो झोपड़ी में वो रहता है अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने का, पूरा उसका जिंदगी इसी में गवाया। अपना बेटे को इंजीनियरिंग के लिए गुलबर्गा भेजा, अपने बेटी को मतलब एमएससी करके बड़ा पोस्ट में करना चाह रहा था। तो ऐसे एक शख्स के साथ जो ये घटना होने के पहले वो अपने परिवार के साथ ये व्यक्त किया कि ये कंपनी मेरे साथ न्याय, मुझे न्याय नहीं दे रहा है, मेरे साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास 30 साल का अनुभव है, एक मैकेनिक का अनुभव है, उसको ये कहा गया 6 महीने के अंदर परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट करने के बजाय उसको शिवड़ी फैक्ट्री, बरली फैक्ट्री से यहाँ डकाला गया। यहाँ उसको लाने के बाद आप ये सोचो कि उसकी उम्र क्या है, और ये जो जिसको मस्करी किया और अरेस्ट किया उसको उम्र क्या है? ये क्या मस्करी करने का उम्र है? मस्करी हो सकता है जो 20 साल 18 साल ऐसे युवकों के बीच में। ये है 3 बच्चों का बाप, अपने बेटी का उस दिन जन्मदिन, जिस दिन अपनी बेटी का जन्मदिन का दिन, एक रात पहले जलेबी मिठाई का डब्बा लाके अपना बेटी का मुंह मीठा करके सुबह काम के लिए निकल गए, ये कहते हुए बेटी में शाम को आके हम पार्टी मनाएंगे, जोरदार हम लोग खुशी मनाएंगे, और वो पिताजी वापस ले आते हैं। क्या ये मस्करी का उम्र है? ये किसको ये कहानी बता रहे हैं? ये चीज़ हम लोग हाईकोर्ट तक लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। इस तरीके का केस यदि खड़ा करने का कोशिश किया तो यहाँ अभी भी न्याय नाम का चीज़ है। मतलब ये एक मजदूर का जीवन इतना तकली हो चुकी है कि उसको इस तरह मतलब क्रूरता का भी एक ये सब पूरा नहीं होगा जो इस
इनके साथ जो हुआ है, ये हम जब सुने हमारे खून खोल गए, हमारे जो एक एक बाल खड़े हो गए ये सोच के कि आप जरा कल्पना करो वो आदमी के साथ क्या हुआ। कोई भी सोचेगा कि ये क्या हुआ है। तो हम जब पूछे हैं पुलिस को, उनका कहना है नहीं 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 उनका मस्करी करने का आदत था। मस्करी कुछ अर्थ होता है, मस्करी भी ऐसा नहीं है कि अपने आप को इस तरीके से मतलब हमारा खुद का खून करने का ये मस्करी होता है। तो ये जो है ये कोई भी पब्लिक मानने वाला नहीं है साथियों। और हम पुलिस के सामने ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये जो एक प्रकार का इसको बंद करो, ये जो एक हम इसको एक कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं क्योंकि टोयोटा कंपनी है। क्या ये कंपनी इतना बड़ा है कि मजदूर का जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ खेल सकता है? और आप इसको करने देंगे तो कल चल के किसी का भी जान का भरोसा नहीं है। ये समझो कि ये कंपनी और करने वाले जो किया है, ये गुना जो किया है वो कल ये समाज में उतर के क्या नहीं करेगा ये सोचो। तो जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी यदि चाहते हैं, यदि सोचते हैं लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना, तो पहला वो घटना का जो हकीकत है उसको सामने लाना चाहिए। ना हमारे जैसे न्याय मांगने वाले के पीछे इतना बड़ा फोर्स को खड़ा करना, इसको न्याय नहीं बोलता है। इस चीज़ को न्याय नहीं बोलता है कि जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो इंसाफ मांग रहे हैं, उनको उनकी आवाज़ को आप दबाओ, उनको आप कुचल के रखो, उनको बोलो नहीं 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 आप ये नहीं कर सकते। मर्डर कर सकते हैं, मर्डर करने के लिए 144 नहीं है, मर्डर करने के लिए कंपनी के ऊपर कोई भी कानून, दूसरे कोई भी। जब अभी कुर्ला में जो आग हुई वो कौन किस किस को अंदर किया है हम लोग सब जानते हैं। वो जो होटल चलाने वाला जो मालक भी अंदर है आज, क्योंकि उसका भी जवाबदारी है उस तरीके का होटल को, मतलब जहां कुछ भी सुरक्षा नहीं कुछ नहीं, उधर इतने सारे बच्चों का जान गया, तो इधर एक मजदूर का जान जाता है, उसका मालिक का कोई जवाबदारी नहीं है? मालिक का जवाबदारी है प्रमुख। कोई भी जब भी एक्सीडेंट होता है तो कोई साथ में काम करने वाले को अंदर नहीं डालता है। जो माल ये जो यहाँ का जो कंपनी है, कंपनी का इंचार्ज इसका था, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था? हम लोग जब गए अंदर, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं ये वो दरवाजे के पास बगल में, वो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था जब ये इनके साथ ये हादसा हो रहा था? वो सिक्योरिटी गार्ड देखते रहे, एक वर्कर का ये हादसा हो नहीं गया। तो साथियों और जहाँ यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हम आज दुख व्यक्त करने आए हैं परिवार के साथ, मगर ये जो लड़ाई है लंबी लड़ाई है। और हम लोग ऐसा नहीं सोच के आए हैं कि हमको कुछ राजनीति में कुछ वोट जीतना है, हमको कोई मालिक से कोई चंदा इकट्ठा करना है, नहीं। हम ये चाहता है कि यहाँ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में पूरी जांच होना चाहिए। जो लोग जिम्मेवार है वो सारे के सारे उनके ऊपर केस लगना चाहिए। साथ ही साथ जो यहाँ का मैनेजमेंट प्रमुख है वो प्रमुख गुनहगार बनता है, उनके ऊपर भी 304 302 ये कलम लगना चाहिए। तो साथियों ये मांग करने के लिए हम आए हैं। और हम हमारे साथ जो इंस्पेक्टर उगले वगैरह जो बातचीत कर रहे हैं, हम ये अपेक्षा रखते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे आवाज़ जो है यहाँ, इनके परिवार आए हैं, यहाँ बहुत सारे ट्रेड यूनियन के लोग आए हैं, यहाँ बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग आए हुए हैं। ये सिर्फ अपना बॉम्बे शहर तक नहीं, आज ये दुनिया भर में ये इसके जो है फैल गई है, ये न्यूज़ फैल गया है। तो न्याय दिलाना, और जो जो मुजरिम है, जो करने वाले, उनको सारे के सारे को सजा दिलवाना, इसको हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। ये यदि नहीं है
तो सर जो हमारे देश में अंधा कानून है, कोई भी किसी का कत्ल करेगा कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो ये अपना देश का छवि होंगे, ये यहाँ का प्रशासन को सोचना है और हम ये मतलब कहने के लिए यहाँ आए हैं और हम ये मानते हैं कि ये परिवार का जो है न्याय मिलना चाहिए। तो इनका दुख कोई निकाल नहीं सकते हैं, मगर उनके साथ देना ये हमारा जवाबदारी है। दो शब्द आवेदन करेंगे फिर ये डेलीगेशन जाएगा शॉर्ट करो। साथियों दोस्तों, यहाँ जमा हुए सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्गों के मुंह से, बड़े लोगों के मुंह से हम लोगों ने एक बात सुनी है कि जब जुल्म के खिलाफ जितने देर से उठोगे उसका उतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज़ बुलंद करोगे उतनी ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ेगी। आज यहाँ पर हम लोग याकूब शेख साहब के मर्डर के लिए, जो उनका मर्डर किया गया है, ना सिर्फ मर्डर बोलूँगा उसको, मैं बोलूँगा प्लान मर्डर किया गया है, उसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सिर्फ याकूब शेख का मर्डर नहीं है। दादरी में अगर अखलाक अहमद को घर में घुस के मार दिया जाता है तो सिर्फ अखलाक अहमद का मर्डर नहीं है। अगर उड़ीसा में किसी चर्च के पादरी को जिंदा जला दिया जाता है तो सिर्फ उस पादरी का मर्डर नहीं है। अगर फरीदाबाद में कुछ दलित बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है तो सिर्फ उन बच्चों का मर्डर नहीं है। आप समझिए ये पूरे हिंदुस्तान का कत्ल हो रहा है। आप समझिए कि पूरे हिंदुस्तान को मारा जा रहा है। आप समझिए कि पूरे देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये सब करके एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों के बीच में दूरियां फैलाई जा रही हैं, नफरत फैलाई जा रही है। हमारी ये लड़ाई ना सिर्फ याकूब शेख के लिए है बल्कि उन दूरियों के खिलाफ है। हमारी ये लड़ाई उन नफरतों के खिलाफ है। हमारी ये लड़ाई उन सियासतदानों के खिलाफ है जिन्होंने भारत देश को बांटने का जिम्मा अपने कांधों पर लिया हुआ है। जो सरकार विकास के नाम पे सरकार बनती है, डेवलपमेंट के नाम पे सरकार बनती है और उसके बाद पूरा हिंदुस्तान तकलीफें झेलता है, उन तकलीफ विनाश झेलता है, उस विनाश को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। ये सरकार क्या आई है, लोगों के पर खुल गए हैं। आज ऐसा हो गया कि कोई किसी को घर में घुस के कहीं पर भी मार ले, किसी गाड़ी में मीट रख दिया जाए और उसको मार लिया जाए, कोई ईद के बाद किसी जगह काम करने जाएगा तो उसको पूछा जाएगा गोश्त खाया था, तेरा गोश्त हम खाते हैं, ये इस देश में चलेगा नहीं। मैं एक बात पूछने जाता हूँ, मुंबई शहर एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर के नाम से मशहूर है, ये शहर जाना जाता है लोगों की मदद करने के लिए। उस मुंबई शहर के बीचों बीच एक कंपनी में किसी को मार दिया जाता है, उस कंपनी में काम करने वालों लोगों की इंसानियत कहाँ गई थी जो उस वक्त वहाँ काम कर रहे थे। ये मेरे साथियों ने जितने सवाल उठाए हैं, अगर उगले साहब यहाँ मौजूद है सीनियर वाले जो कि पुलिस के वो सुन ले, अगर ACP यहाँ मौजूद है तो वो सुन ले, अगर DCP यहाँ मौजूद है तो सुन ले और पूरा ये सिस्टम सुन ले कि ये सवाल कब पूछा जाएगा कि वहाँ मौजूद लोग क्या कर रहे थे। आप बोलते हो मजाक मस्ती में किसी की जान ली जाती है। कोई भी आदमी जिसमें जरा सा भी जहन है क्या वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि ऐसी मजाक मस्ती हो सकती है कि जिसके जरिए किसी को पाइप से उसका मर्डर कर दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए और वहाँ मौजूद उस स्टाफ में 30-40-50 पता नहीं कितने लोग स्टाफ होंगे, एक आदमी पढ़ के उसको बचाने के लिए नहीं आता। ये किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस देश में, ये किस तरीके का वातावरण तैयार करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, वो वहाँ पर पूछने नहीं आता, बचाने नहीं आता। पुलिस ये सवाल कब करेगी इस कंपनी से? मुंबई पुलिस के नाम पे एक कलंक लग रहा है, वो सवाल कब पूछेगी इस कंपनी के मालिक से? एक कंपनी में किसी को मार दिया जाता है, उस कंपनी के मालिक को कब गिरफ्तार करेगी मुंबई पुलिस? वरना हम ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगे कि उस कंपनी के साथ साथ पुलिस भी इसमें शामिल है, पुलिस भी उन खातियों का, उन गुनहगारों की मदद करने का काम कर रही है। और ये लड़ाई जो आज हमने यहाँ शुरू की है, ये लड़ाई नहीं, आज हम एक सॉलिडारिटी में यहाँ जमा हुए हैं, इनके साथ सिंपति में यहाँ जमा हुए हैं। अगर इसका फैसला जल्द से जल्द नहीं आता है तो इस पूरे आंदोलन को बहुत तेज किया जाएगा। और आप सभी लोग जिन्होंने इसमें मौजूद लोगों की बैकग्राउंड पुलिस को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर हम बोल रहे हैं कि इस आंदोलन को तेज किया जाएगा तो कितना तेज कर सकते हैं, कितना आगे ले जा सकते हैं, वो सब लोग समझ रहे हैं। हर हफ्ते यहाँ धरना दिया जाएगा, पब्लिक मीटिंग्स ली जाएगी, ना सिर्फ यहाँ के कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक के लड़ने की तैयारी रखते हैं। हम यहाँ जमा हुए हैं इंसाफ के लिए, हम यहाँ जमा हुए हैं जुल्म के खिलाफ। जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर इस नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ें, हम सब मिलकर इस तरीके की मानसिकता को पीछे ढकेलने का काम करें। छोटी छोटी बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वो रिपोर्ट बनानी पड़ रही है। ये पुलिस अगर अभी किसी की साइकिल चोरी हो जाए तो 4 साइकिल चोरों को पकड़ के ले आती है और तय कर देती है कि इन्होंने चोरी किया था। हाँ, किसी की चोरी हो, किसी का मर्डर हो, किसी का रेप हो, बम्बई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरे नंबर पर मानी जाती है। बड़े बड़े शान से अखबारों में लिखा जाता है कि मुंबई पुलिस दुनिया की दूसरे नंबर की पुलिस है। बम फटता है कहीं पर, फटने से पहले ही 4 लोगों का नाम लिख देते हैं लोग कि भला भला लोगों ने फाड़ा था। यहाँ पर एक कंपनी में दिन दहाड़े किसी का मर्डर किया जा रहा है, उसके पीछे इस तरीके की थ्योरी पेश करें। यहाँ पुलिस की पुलिस जो है शक्ति कहाँ गई? यहाँ पुलिस उन चीजों को कब पूछेगी? यहाँ पुलिस उन सवालात को कब कायम करेगी जो सवालात यहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग कायम कर रहे हैं? दोस्तों, ये आज मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ जमा हुए, लेकिन हमारा काम यही खत्म नहीं होता है। हमारा काम आज यहाँ से शुरू होता है कि इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ना है। इस लड़ाई को याकूब शेख की फैमिली को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जबकि देश के हर एक इंसान को इंसाफ नहीं मिल जाता, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कम से कम इस सरकार में, जिस तरीके की सरकार सेंटर में और महाराष्ट्र में चल रही है, उससे हम लोगों को उम्मीद नजर नहीं आती। हम जैसे लोगों को, समाज के लोगों को और लोगों के बीच रहने वाले लोग, हमको आगे निकलना पड़ेगा और इसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं इन्हीं कुछ बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये लोग इस बात का नोटिस लेंगे, और अगर नोटिस नहीं लिया तो हम लोग अपना आंदोलन दिखाएंगे। साथियों, अभी एक डेलीगेशन हमारी तरफ से जाके मिलेगा टोयोटा की कंपनी के साथ, उसमें हमारे जो तो साथियों, डेलीगेशन का नाम ले लो फिरोज भाई। फिरोज कौन जाएंगे नाम? तो साथियों, बात ऐसी है कि ये आंदोलन की एक ताकत अभी बन चुकी है। चंद दिन पहले खुद किदवाई नगर के लाल मैदान में वहाँ के लोगों ने 350-350 लोग जमा हुए थे, ये पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वहाँ रिलीज हुई थी। तो लोगों के सामने सच्चाई जा रही है, जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पे इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। और ये आंदोलन है याकूब शेख को न्याय, उसके परिवार को न्याय देने का आंदोलन। साथियों, दूसरी बात कि अभी एक डेलीगेशन जाके मिलेगा, पुलिस स्टेशन में बुलाया है, सब लोग आएंगे, मगर कुछ वहाँ रुकेंगे, मगर कुछ 8-10 लोग हमारे वहाँ बैठ कर टोयोटा कंपनी और पुलिस वालों के साथ बात करेंगे, और हम अपनी बात रखेंगे, उनको अपनी बात रखने दो, फिर आगे तय करेंगे कि इस आंदोलन को कैसे हमको आगे बढ़ाना है। तो भी हम लोग चलेंगे। कौन कौन जा रहे हैं? रोज जाने के टोयोटा मैनेजमेंट मुद्दा मस्करी, अरे मर्डर को इंक्वायरी होनी चाहिए, वेल प्लान मर्डर को ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा है, जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा है, जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा है, जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा है।
अरे जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अरे एक वेल प्लान मर्डर को मस्करी का नाम देना बंद करो बंद करो बंद करो। एक वेल प्लान मर्डर को मस्करी का नाम देना बंद करो बंद करो बंद करो। अरे वेल प्लान मर्डर के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए जवाब दो जवाब दो जवाब दो। अरे सीसी फुटेज कहां है कहां दो जवाब दो जवाब दो। सवाल है जवाब दो जवाब दो जवाब दो। सवाल है सीसी फुटेज गायब क्यों है जवाब दो। हाँ वेट वेट
अरे सीसीटीवी गायब क्यों है? चलो तो मैनेजमेंट जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। अरे सीसीटीवी गायब क्यों है? चलो तो मैनेजमेंट जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। अरे वेटलैंड मरर को मस्करी का नाम देना बंद करो। बंद करो, बंद करो। अभी सुजन इब्राहिम, एडवोकेट सुजन इब्राहिम, हमारी पुलिस के साथ जो बैठक हुई, क्या टोयोटा के भी मैनेजर वगैरह आए थे, वो बात होगी? हाँ, तो साथियों, आप लोग सब जो इसे यहाँ रुके, उसका ये फल हुआ कि जो इंस्पेक्टर के साथ हमारे जो बातचीत हुई, उनसे ये निकला कि यहाँ, मतलब ये जो कुछ भी आज तक जो स्टोरी यहाँ रिकॉर्ड किया है, उसका री इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है, री इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है। ये हम समझते हैं कि हम लोग जो इतना छोटा पैमाने पे किया, इसका बहुत बड़ा जीत हुआ है, क्योंकि उनको मानना पड़ा कि ये जो स्टोरी आज तक ये बताए हैं, मीडिया को बताया है, हमको बताया, फैमिली को बताया, ये मतलब कहीं पे भी सच निकलेगा नहीं, कोर्ट में निकलेगा नहीं, दुनिया के सामने निकलेगा नहीं। तो वो ये यहाँ तक बता दिया कि आपको जो कुछ भी जानकारी है, हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक कदम हम लोग आगे बढ़े। दूसरी बात कि उनका ये कहना था हम लोग कंपनी के अंदर मीटिंग लेना चाहिए, हमने साफ इनकार किया, यही कंपनी सबको खरीद के रखा है, हम क्यों उनके पास जाएं? हम यदि उनके अंदर उनके पास दम है तो उनको उधर बुलाना चाहिए और वहाँ हमारे सामने उनका जवाब देना चाहिए, पुलिस में। तो बहुत, हाँ, पुलिस के सामने बहुत बहुत देर के बाद वो लोग आए, इसलिए हमारा इतना देर हुई, क्योंकि पुलिस के साथ जो कुछ भी बोलने का था कि इनका जो पूरा जो ये इनके जो मिसेज हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ रखा कि क्या क्या मतलब झूठ बोला गया उसके सामने। तो ये रखने के उसके बाद फिर वो मैनेजमेंट का तीन व्यक्ति आए और इतने वो लोग पूरा विश्वास और आत्मविश्वास से भरे हुए थे तीनों, और हम जब उनको क्वेश्चनिंग करना शुरू किया, एक तो वहाँ से भाग गया, क्योंकि इनका जो कुछ भी सवाल था, फैमिली की तरफ से जो सवाल था, वो बिल्कुल उनके पास जवाब बोलने, हम लोग ये यहाँ तक बोले कि आपका जो कहानी अभी इंटरनेशनल तक गया है, आपका हेडक्वार्टर जापान तक जाएगा और आप सबका यहाँ बिस्तरा बंद करने हम लोग करवाएंगे यदि यहाँ ये जो सच्चाई है ये बाहर नहीं आएगा। तो आज के बातचीत से यहाँ तक निकला कि ये जो याकूब शेख, इनके बारे में छेड़छाड़ इस तरह से भी होता था कि याकूब को तो फांसी पे चढ़ाया, तुम क्या यहाँ याकूब, कौन याकूब चढ़ाए, इस तरीके से उनका बारे में छेड़छाड़ होता था। तो ये जो उनका कहानी है, बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने स्पष्ट हुआ है, ये मैनेजमेंट का पूरा एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र को हमको पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करके आज यहाँ तक लाए हैं, इसको और आगे हम, और हमने कहा ये कुछ कॉम्पनसेशन का लड़ाई नहीं है, कॉम्पनसेशन कहीं भाग के जाएगा नहीं, कंपनी को जो कानूनन मुताबिक इनको जो कॉम्पनसेशन देना है वो देना ही पड़ेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं, उसके लिए हमारे यहाँ लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई है इधर इनका जिया, इनका जो मारे कर ही सब पकड़े जाना चाहिए, मैनेजमेंट के ऊपर इसका गुनाह लगना चाहिए। तो ये इसके लिए हम लोग जो आगे कदम थोड़ा सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो हम ये जो है इसको एक अच्छे नतीजे पे पहुंचा सकते, ताकि इनके परिवार को न्याय मिले, समाज को न्याय मिले। बोलो, पुलिस में क्या बात हुई? पुलिस ने बोली है कि वो इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करेगी, हमें होप है कि वो करे और हमें जस्टिस दिलाने में वो हमारी मदद करे और जो सही है वो बताए, बस इतना ही बोल सकती हूँ। आज साथियों, आज हमारे आंदोलन की एक बड़ी जीत हुई है। आज पुलिस बहुत ही बैकफुट पे थी, उन्होंने, क्योंकि अभी तक ये परिवार का FIR तक में भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, इनकी पूरी जो विटनेस है, उनको जो जो भी बोली गई थी बातें, जवारे रिपोर्ट में आई थी, ये सब बातें अभी तक पुलिस ने दर्ज नहीं की है, वो भी दर्ज होगी। नंबर वन,
नंबर टू कि अभी तक ये कंपनी के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ था क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहे, सुपरवाइजर कहाँ थे? वो बोल रहे कि ये वो खेलते रहते थे वो पाइप के साथ। तो ये भैया ये कंपनी के कोई क्रिकेट का मैदान है, ये क्या है ये सब? तो ये हम लोगों ने कहा कि ये पूरी रिकॉर्ड हमको चाहिए। और एक तो 302 का जो मर्डर का केस है वो अपनी जगह पे है और वो जारी रहेगा। उसके साथ हमने कहा ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें पाँच छः वो इन्वेस्टिगेशन हो। और अभी ये कंपनी पे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस दर्ज होगा, अभी तक ये करने के लिए तैयार नहीं थे। मगर आज के आंदोलन के कारण, आज के बम्बई के संगठनों के कारण, ट्रेड यूनियन के कारण, स्त्री आंदोलन के कारण आज ये हुआ है। तो साथियों एक बहुत बड़ी जीत आज हमारी हुई है। तीसरी बात साथियों कि आज ये जो भी बातचीत हुई और ये अलग अलग संगठन के जो आज जो साथी साथ में आए हैं, आने वाले कुछ दिनों में हम लोग फिर से साथ में बैठेंगे, आंदोलन की आगे की जो कदम की जो रणनीति होगी वो मिलकर हम लोग तय करेंगे। मगर जैसे हम लोगों ने कहा ये बम्बई में एक दादरी हो चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर जैसे एक आंदोलन बना दादरी को लेकर, वैसे बम्बई में एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनेगा याकूब शेख को न्याय दिलाने के लिए और बम्बई शहर को वापस एक लोकतांत्रिक, एक प्लूरल, डाइवर्स, एक सेक्युलर शहर करके। क्योंकि ये बम्बई शहर पे जिस किस्म के आक्रमण देनदारे हो रहे हैं उसके खिलाफ ही इस शहर की जनता खड़ी होगी। तो याकूब शेख और उसका परिवार आज ये हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन का एक सिंबल बन चुका है, उसके साथ हमको मिलकर ये आंदोलन को आगे बढ़ाना है साथियों। और ये आंदोलन आज ये समझ लीजिए कि पुलिस के बहुत दबाव के बावजूद लगातार उनके टेलीफोन कॉल, मगर हम लोगों ने इतना कह दिया था कि आपको जो करने कर लीजिए, हमारे तरफ से एक अहिंसक आंदोलन होगा, हमारी पूरी कोऑपरेशन आपके साथ होगी, आपको अरेस्ट करना तो कर लीजिएगा। हम में से कोई भी साथी ऐसा नहीं है जो डरेगा, ये आंदोलन होकर रहेगा और पुलिस ने ये होने दिया है। तो जब जब भी अहिंसक आंदोलन आगे बढ़ेगा स्टेट और पुलिस को अपने सामने आके कोऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए ना कोई डर की ज़रूरत है, ना कोई भय की ज़रूरत है और ये आंदोलन आगे बढ़ते जाएगा साथियों। तो साथियों सबके लिए धन्यवाद। आज जो जो भी संगठन आए, जो जो भी प्रमुख साथियों ने आज इस आंदोलन को संभाला और ये एक बस धन्यवाद है। और बम्बई शहर फिर से खड़ा हो रहा है, अलग अलग स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहे पूरे शहर में और एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एक आंदोलन आगे बढ़ते रहा है, बम्बई उसी बड़ी आंदोलन का एक बहुत बड़ा एक आवाज़ है और एक बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा है। धन्यवाद सर। आवाज़ दो, आवाज़ दो, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, लड़ेंगे जीते, लड़ेंगे जीते। अब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखो भी एकता जिंदाबाद, देखो भी एकता जिंदाबाद। ये तो एक अंगड़ाई है, अरे ये तो एक अंगड़ाई है, अरे हमारी मांगे कैसे लेंगे, हमारी मांगे कैसे लेंगे, याकूब शेख को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, याकूब शेख को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, याकूब शेख अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। धन्यवाद साथियों, सब लोग सलाम वालेकुम, नमस्ते। अभी अपने घर जाएंगे और आगे हम लोग बैठेंगे और सबको लाल सलाम, सबको लाल सलाम, पीला लाल नीला नीला भगवा सब। अरे वो बुद्ध का कलर है भाई, बुद्ध का कलर है कि नहीं? का भी कलर है, जैनों का भी कलर है। अरे तिरंगे पे है चाहिए बराबर।
क्या बोल रहे हैं, कोई क्या की स्टेटमेंट है और रिकॉर्ड करो। माँ जो कुछ भी बोल रही है वो हर चीज़ हमारे पास आ रही है, फिर क्या देना है हम लिख के देंगे, उसका कॉपी हमारे पास है। ये नहीं कि आप जो बोलते था वो क्या लिखना है वो लोग लिखे, क्या हमको नहीं मालूम वो क्या रिकॉर्ड। सर्टिफाइड कॉपी दे रही है, वी कैन गिव इट अ सर्टिफाइड कॉपी। वन डे गिव मी अ कॉपी देन वी कैन सी। या या अग्री, बट कैन बी अ सर्टिफाइड कॉपी अफिड प्रिपेयर्ड कर। अभी ये बुला रहे स्टेटमेंट दो, ये जो बोल रहे हैं ना ऐसा ऐसा उनको चाहिए।